Hello students, today we are going to learn unit 8 from your English test book and the name of the unit is Healing Herbs. So, सबसे पहले हम activity 1 देखेंगे. A science fair is going to be held in Gandhinagar for children of your age. Science fair, fair means mela, मतलब आपके age के बच्चों के लिए एक science fair लगने जा रहा है गांधी नगर में. असमी वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इट इन इट. जो असमी है नाम की लड़की है वो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती है उस साइंस फेयर में. शी डिसाइडेड टू टेक विद हर अ सेल्फ प्रिपेयर्ड हर्ब बुकलेट. तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने साथ अपनी खुद की बनाई हुई हर्ब बुकलेट लेके जाएगी. ध्रुवी वॉज ट्राइंग टू शार्पन अ पेंसिल विथ अ ब्लेड When she cut her finger and it started bleeding. ध्रुवी जो है वो अपनी पेंसिल को शार्प करने की कोशिश कर रही थी ब्लेड से, तो उसमें उसका जो फिंगर है वो कट हो जाता है and it started bleeding. और उससे खून आना स्टार्ट हो जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. Immediately her mother brought a pinch of turmeric powder. तो जब उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो उसकी मम्मी तुरंत ही उसके लिए पिंच यानी एक चुटकी टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर लेके आती है. अप्लाइड इट ओवर द वाउंड और उसको जो उसको चोट लगी होती है, जो घाव लगा होता है उसके ऊपर वो उसको लगा देती हैं उसकी मदर. एंड प्रेस्ड इट हार्ड और उसको ज़ोर से प्रेस करती है, दबा के रखती है. द ब्लीडिंग वॉज कंट्रोल. इसकी वजह से वो जो ब्लीडिंग है यानी जो खून निकल रहा होता है वो कंट्रोल हो जाता है. ध्रुवी आस्क्ड हर मदर व्हाई शी अप्लाइड टर्मरिक पाउडर टू द वाउंड. जो ध्रुवी है वो अपनी मदर से पूछती है कि उन्होंने टर्मरिक पाउडर इस चोट पे क्यों, इस घाव पे क्यों अप्लाई किया. हर मदर रिप्लाइड माय मदर यूज्ड टर्मरिक पाउडर व्हेनेवर वी वर हर्ट. तो उसकी मदर ने क्या रिप्लाई दिया कि जब मेरी मदर भी टर्मरिक पाउडर यूज़ करती थी जब हमें चोट लगती थी. लेटर ऑन आई रीड इन मैगजीन्स दैट टर्मरिक पाउडर एक्ट्स एज अ गुड एंटीसेप्टिक. बाद में मैंने एक मैगजीन में देखा कि जो टर्मरिक पाउडर, उसकी मदर कह रही कि बाद में मैंने जब मैगजीन में देखा कि जो टर्मरिक पाउडर थे ये एक अच्छा एंटीसेप्टिक है. वॉट इज एन एंटीसेप्टिक मदर. वो अपनी मम्मी से पूछती है कि एंटीसेप्टिक क्या होता है. वेल आई थिंक एन एंटीसेप्टिक इज समथिंग दैट हील्स अ वाउंड. तो उसकी मदर बोलती है मुझे लगता है एंटीसेप्टिक क्या होता है, जो आपके घाव को या आपकी चोट को ठीक कर दे वही एंटीसेप्टिक है. अब हम एक्टिविटी 2 में देखेंगे. ध्रुवी मीट्स अ डॉक्टर. हेलो डॉक्टर कल्याणी, हाउ आर यू. ध्रुवी जो है वो डॉक्टर से मिलती है और बोलती है हेलो डॉक्टर कल्याणी, हाउ आर यू, आप कैसे हो. व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, वॉट अ प्लेजेंट सरप्राइज लक्ष्मी, वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. तो वो जो ध्रुवी की मम्मी को बोलती है डॉक्टर कि मतलब बहुत अच्छा सरप्राइज़ है, हम लोग अब बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं. इट इज़ नाइस ध्रुवी हैज़ ऑल्सो कम विथ यू. बहुत अच्छी बात है कि आपके साथ आज ध्रुवी भी आई है. माई मदर सेज टर्मरिक इज़ एन एंटीसेप्टिक, इज दैट सो, वॉज ध्रुवीज नेक्स्ट क्वेश्चन. तो जो ध्रुवी है वो डॉक्टर कल्याणी से पूछती है कि मेरी मम्मी कहती हैं कि ये जो टर्मरिक है ये बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है, क्या ये सही है. येस इट इज़, डॉक्टर कल्याणी हैड नो हेजिटेशन इन रिप्लाइंग. जो तो फिर जो डॉक्टर कल्याणी बोलती कि हाँ, बिना हेजिटेशन के वो रिप्लाई करती कि हाँ ये सही बात है. डॉक्टर कैन You tell me more about the turmeric plant, which are its other uses. तो वो जो ध्रुवी है वो डॉक्टर से बोलती क्या आप मुझे और भी टर्मरिक प्लांट्स के बारे में बता सकते हैं और इनके क्या क्या यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ किया जा सकता है इनको. Which science deals with the study of medicinal plants? ध्रुवी listed her queries. ध्रुवी पूछती है कि ऐसे साइंस में हम ऐसे और कौन से मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, या साइंस की ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताती है या जानकारी देती है. नाउ अ डेज बॉटनी इज़ डीलिंग विद द स्टडी ऑफ अ फ्यू मेडिसिनल प्लांट्स. देयर इज़ ऑल्सो द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन.
तो जो डॉक्टर बोलते हैं कि आज के दिनों में जो बॉटनी है, बॉटनी के में हम मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ध्रुवी बोलती है यू मीन आयुर्वेदा। ध्रुवी इंटरवेंटेड, मतलब वो बीच में ही हस्तक्षेप करके, मतलब बीच में ही रोक के डॉक्टर को बोलती है कि क्या आप आयुर्वेदा उसको बोलते हैं, आयुर्वेदा के बारे में बात कर रहे हैं। यस, आयुर्वेदा मीन्स द साइंस ऑफ लाइफ। तो डॉक्टर रिप्लाई करता है कि आयुर्वेदा का मतलब होता है कि साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेदा डील्स विथ प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिजीज। आयुर्वेदा में हम हमको डिजीज से कैसे बचना है और डिजीज को कैसे सही करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। थ्रू आयुर्वेदा वन कैन लर्न अबाउट द एक्शन ऑफ डिफरेंट हर्ब्स ऑन वेरियस डिजीज। आयुर्वेदा में हम एक डिजीज के ऊपर ये जो हर्ब्स हैं वो कैसे काम करते हैं, ये सब चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती हैं। सच स्टडी ऑफ हर्ब्स इज अ पार्ट ऑफ आवर साइंस। और ये जो स्टडीज़ होती हैं हर्ब्स की, यानी जड़ी बूटियों की जो जो स्टडीज़ होती हैं, ये हमारे साइंस का पार्ट हैं। हाउ डज टर्मरिक एक्ट एंड ऑन कोल्ड। तो ध्रुवी पूछती है कि टर्मरिक जो है वो कोल्ड पे कैसे काम करता है, यानी सर्दी पे। यू नो दैट कोल्ड इज़ अ वायरल इन्फेक्शन, टर्मरिक हैज़ एन एंटी वायरल इफेक्ट। तो जो डॉक्टर है वो रिप्लाई करते हैं कि जो कोल्ड है वो वायरल इन्फेक्शन है और जो टर्मरिक है वो एंटी वायरल इफेक्ट करता है, वो काम वर्क करता है। इंडियन वुमेन अप्लाई टर्मरिक ऑन देयर फीट, इज़ देयर एनी रीज़न बिहाइंड दिस हैबिट टू। तो ध्रुवी पूछती है कि जो इंडियन वुमेन हैं कि वो टर्मरिक को अपने फीट पे अप्लाई करती हैं, यानी कि अपनी एड़ियों पे अप्लाई करती है, तो क्या इसके पीछे कोई कारण है। येस, देयर इज, मोस्ट ऑफ द वुमेन वर्क इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दिस कैन लीड टू इन्फेक्शन ऑफ द फीट। टर्मरिक प्रिवेंट्स इन्फेक्शंस, हैंस वुमेन अप्लाई इट ऑन देयर फीट। तो जो डॉक्टर हैं वो बोलते हैं येस, बहुत सी औरतें हैं जो पानी में बहुत लंबे टाइम तक काम करती है, जिसकी वजह से उनके जो फीट में, एड़ियों में इन्फेक्शन हो जाता है, और जो ये टर्मरिक यानी कि जो हल्दी है वो उस इन्फेक्शन को सही करता है, प्रिवेंट, बचाता भी है और उसको क्योर भी करता है। हैंस वुमेन कैन अप्लाई ऑन देयर फीट। तो वुमेन इसीलिए अपने फीट पर उसको अप्लाई करती हैं, लगाती हैं। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई सम एडवर्टाइजमेंट्स टॉक ऑफ टर्मरिक इन क्रीम्स। तो जो ध्रुवी बोलती है, अब मुझे समझ में आया कि एडवर्टाइजमेंट में जो टर्मरिक के बारे में क्यों बताया जाता है कि क्रीम में टर्मरिक जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं जिसकी वजह से हमारे स्किन अच्छे होंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो वो क्योर हो जाएगा, अब उसको समझ में आता है। थैंक यू डॉक्टर, यू हैव गिव मी सो मच इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉमन हर्ब्स एंड वाई दे आर यूज इन आर डेली लाइफ। तो जो ध्रुवी है वो डॉक्टर को थैंक यू बोलती है कि आपने मुझे बहुत सारी जानकारी दी, ये जो कॉमन जो जड़ी बूटियाँ हर्ब्स हैं और इनका हम अपने डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। थैंक यू।